Hello everyone, let's start with question number 20. It says Ramkali saved 5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by 1.75. If in the nth week her weekly savings become 20.75, find n. So, हमें ये बताना है कि कब उसकी जो weekly saving है बढ़ के 20.75 हो जाएगी. अब यहाँ पे सबसे पहले first week में उसने 5 रुपए बचाए, नेक्स्ट वीक में उसने 1.75 ऐड कर दिए 5 में, तो ये 6.75 हो गए. अब नेक्स्ट वीक में 1.75 और ऐड कर दो तो 8.5 हो जाएंगे. अब हमें पहुंचाने हैं उस 20.75 तक, तो आपका an तो हो गया 20.75. a की वैल्यू आपको पता है, फर्स्ट टर्म होती है 5. d आपको पता है व्हिच इज 1.75, क्योंकि उसने हर वीक अपनी सेविंग जो है वो बढ़ाई है बाय 1.75, वो तो कांस्टेंट ही रह रही है. सो डी की वैल्यू हमें पता चल गई. अब हम ए एन वाला फॉर्मूला यूज करके एन की वैल्यू फाइंड कर देंगे कि कितने वीक में उसने ये अचीवमेंट की. सो ए एन आपका हो गया 20.75, ए आपका 5 प्लस एन माइनस 1 इज एज इट इज, डी है आपका 1.75. अब 5 को आप लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाओ, so it will be 20.75 minus 5 equal n minus 1 into 1.75. अब 20 minus 75 कितना हो जाएगा आपका 15.75, और ये जो 1.75 है ये कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ. अब पॉइंट से पॉइंट रिमूव करते हैं, हमारे पास बचा 15.75 और नीचे हमारे पास बचा 1.75. तो 175 और 1575 आप 9 से कैंसिल कर सकते हो, क्योंकि 175 इंटू 9 इज 1575. अब यहाँ पे माइनस 1 है, माइनस 1 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, सो इट विल बी 9 प्लस 1 इक्वल n. तो हमारे पास आ गया 10th, मतलब 10th वीक में उसको उसकी जो सेविंग है वो बढ़ के कितनी हो जाएगी 20.75. So this is your answer for question number 20. Thank you for watching. Please like, share and subscribe.